एयरफोर्स के सैनिकों के कॉस्ट्यूम को पहनकर तेजस विमान की सवारी की तस्वीर और बादलों में हाथ हिलाने वाले करतब पर पीएम मोदी के आलोचकों ने खूब सवाल खड़े किए। उनका मजाक भी उड़ाया कि बादलों के सुनसान आसमान में पीएम मोदी किसको हाथ हिला रहे हैं। पीएम मोदी की ट्रोलिंग को लेकर जितनी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को नहीं हुई, उससे ज्यादा तकलीफ गोदी मीडिया के पत्रकारों में देखी जा रही है। तमाम पत्रकार तो ये सबूत भी पेश कर रहे हैं कि पीएम मोदी हवा में हाथ नहीं हिला रहे थे, दरअसल उनके बगल एक और फाइटर जेट था तो उसके पायलट से पीएम मोदी हेलो हाय कर रहे थे। हालांकि जिस दिन पीएम मोदी एयरफोर्स के कॉस्ट्यूम में तमाम फोटोशूट और तेजस विमान की सवारी कर रहे थे, उसी दिन बेंगलुरु में ही राजौरी के शहीद जवानों के श्रद्धांजलि समारोह में भी लोग इकट्ठा हुए थे। इस पर भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाया, लेकिन गोदी मीडिया ने इस पूरे माहौल के बीच पीएम मोदी की गजब की डिफेंडिंग की है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत को जवाब देते हुए अमन चोपड़ा कहते हैं, साथ में उड़ रहे दूसरे फाइटर जेट के पायलट भी पीएम की तरफ हैंड वेव कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा ने बताया, बगल में दूसरा फाइटर जेट भी उड़ रहा है, उनमें से ही वीडियो भी बन रहा है जिनकी तरफ पीएम मोदी और पायलट दोनों हाथ हिला रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी के इस वायरल वीडियो में जब पीएम मोदी बादलों के बीच इस दूसरे पायलट को हाथ हिला रहे थे, इसी क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तमाम लोगों ने यह बताया कि पीएम मोदी हवा में सुनसान जगह पर हाथ हिला रहे थे। लेकिन ट्रोलर्स के इन सवालों को बीजेपी की तरफ से तो जवाब नहीं दिया गया। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने इस प्रतिस्पर्धा में जमकर भाग लिया। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में हर एंगल अपना लिया। तमाम पत्रकार आलोचकों को जवाब देते हुए तो कई लोग पीएम मोदी की इन तस्वीरों पर तारीफ के शब्द लिखते हुए ट्वीट करते नजर आए। रूबिका लियाकत ने लिखा, तेजस्वी भी तेजस भी, यानी कि तेजस विमान के साथ खड़े पीएम मोदी को रूबिका ने तेजस्वी कहा है। अमन चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया के एक मजबूत उदाहरण है, तेजस फाइटर जेट के साथ बेंगलुरु। सुशांत सिन्हा कहते हैं, अलग ही रौला है पीएम का भी। जबकि एबीपी न्यूज ने तो ये दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तेजस फाइटर जेट उड़ा रहे थे। एबीपी के ब्रेकिंग न्यूज समाचार में आप देख सकते हैं, इन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा है, पीएम मोदी ने फाइटर जेट का प्लेन उड़ाया। जबकि सूर्य प्रताप सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा, खुद देख लो किसने तेजस उड़ाया, अगली सीट पर बैठे असली पायलट ने या फिर किसी और ने, अगली सीट पर बैठकर फोटो जरूर खिंचवाया गया है। गोदी मीडिया ने फैलाया कि उन्होंने फाइटर जेट उड़ा दिया, जबकि कहना चाहिए था कि उड़ान का आनंद लिया। एमपी कांग्रेस ने कहा, दोनों ही तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, एक ही तारीख और एक ही समय की हैं, लेकिन मतदान के दौरान टीवी पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीआर देखिए। बिट्टू शर्मा ने कहा, खाली बादलों को हाथ हिलाने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री, क्या कहें अब इस कैमरा प्रेम को। पवन खेड़ा ने कहा, मोदी जी कंट्रोल करो यार। सुप्रिया सुनीत ने कहा, ला इलाज। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।